गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक का ट्रेलर अभी जस्ट रिलीज ही हुआ था कि ट्रेलर के रिलीज होने के बाद से ही अलग अलग तरह की लीक्स, न्यूज और थ्योरीज सामने आने लगी। वैसे अभी रैग्नारॉक की बात चली रही है तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक का पूरा ट्रेलर ब्रेकडाउन, फैन थ्योरीज और रैग्नारॉक में क्या क्या हो सकता है सब कुछ एक्सप्लेन करा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देख लेना। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो अभी जो सबसे बड़ी लीक गॉड ऑफ वॉर के रिगार्डिंग आई है वो है कि हो सकता है गॉड ऑफ वॉर 4 PC में रिलीज होगा। और आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि क्या सच में गॉड ऑफ वॉर 4 PC में आने वाला है और अगर ये PS4 एक्सक्लूसिव गेम PC में आए तो आखिर क्यों आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना जिससे आपको इन सारी चीजों के बारे में पता चले। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी 12 या 13 सितंबर को एक ब्लॉगर इगोर जुलाई ने अपनी एनवीडिया जीफोर्स नाउ, जो एक क्लाउड गेमिंग सर्विस है, उसकी कुछ फाइंडिंग्स शेयर करी थी, जिसमें उन्हें अपनी डेटा माइनिंग स्किल्स की मदद से कुछ गेम्स की एक लिस्टिंग मिली जो अभी एनवीडिया जीफोर्स नाउ सर्विस में ऐड होने वाले हैं और इनमें से बहुत से गेम्स की लिस्टिंग स्टीम स्टोर पर भी देखी गई। अपने इस डेटा माइनिंग रिसर्च में उन्हें बहुत से ऐसे गेम्स के बारे में पता चला जो अभी स्टीम पर लिस्ट किए जाने हैं और इन्हीं में से एक गेम था प्लेस्टेशन का एक्सक्लूसिव गेम गॉड ऑफ वॉर 4। मगर यहाँ इसके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस थे कि गॉड ऑफ वॉर के PC वर्जन की लिस्टिंग एक एरर हो सकता था। और फिर इस सब के जस्ट 1 से 2 दिन के बाद ही एनवीडिया ने ये खुद ही अनाउंस कर दिया कि जो डेटा माइंड गेम्स की लिस्ट आई है वो कोई कन्फर्म गेम्स नहीं है और ये गेम्स अभी सिर्फ इंटरनल ट्रैकिंग और टेस्टिंग के लिए ही यूज़ करे जा रहे हैं। और एनवीडिया का इस पर एक फुल स्टेटमेंट ये था, एनवीडिया इज अवेयर ऑफ एन अनऑथराइज्ड पब्लिश्ड गेम लिस्ट विद बोथ रिलीज्ड एंड और स्पेकुलेटिव टाइटल्स यूज्ड फॉर एन इंटरनल ट्रैकिंग एंड टेस्टिंग। इंक्लूजन ऑन द लिस्ट इज नीदर कन्फर्मेशन नर एन अनाउंसमेंट ऑफ एनी गेम। एनवीडिया टुक इमीडिएट एक्शन टू रिमूव एक्सेस टू द लिस्ट। नो कॉन्फिडेंशियल गेम बिल्ड्स और पर्सनल इन्फॉर्मेशन वर एक्सपोज्ड। तो इसका साफ मतलब ये है कि ये लिस्ट अब कहीं नहीं देखी जा सकती और गॉड ऑफ वॉर 4 PC के साथ ही और गेम्स भी आने की अभी कोई कन्फर्मेशन फिलहाल नहीं है। मगर क्या पता एनवीडिया गॉड ऑफ वॉर 4 के साथ ही और भी गेम्स के टेस्टिंग में भी इसलिए कर रही हो कि वो एक दिन इन गेम्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कर देंगे, या क्या पता ये सिर्फ एक टेक टेस्ट ही हो। बट अभी इसके रिगार्डिंग कोई भी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अब एग्जैक्टली देखते हैं कि क्या सच में गॉड ऑफ वॉर 4 PC में आएगा। तो जैसा कि अभी अगले साल गॉड ऑफ वॉर 4 का सीक्वल गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक PS4 और PS5 में आने वाला है, तो हो सकता है कि सोनी क्या पता अपने सबसे बड़े एक्सक्लूसिव गेम को पहली बार PC पर रिलीज करे, जिससे PC गेमर्स भी गॉड ऑफ वॉर 4 को खेलकर इस फ्रेंचाइजी में इंटरेस्ट दिखाएं और आगे की स्टोरी और गेम्स खेलने के लिए वो एक नया PS5 ले लें। और हमने सोनी की बिल्कुल यही स्ट्रेटजी होराइजन जीरो डाउन के साथ भी देखी थी, जब सोनी ने अपना PlayStation गेम PS4 में रिलीज करने के साथ ही PC पर भी लॉन्च करा था। और जिसने भी होराइजन जीरो डाउन PC में खेल लिया है वो डेफिनेटली 2022 में आने वाला होराइजन फॉरबिडन वेस्ट को भी जरूर खेलना चाहेगा और इसके लिए उसे PS4 या PS5 खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि वो गेम तो PC में आएगा नहीं। और देखा जाए तो सोनी ने रिसेंटली अभी मई के महीने में भी अपना PS एक्सक्लूसिव गेम डेज गॉन भी PC के लिए लॉन्च करा था, जिसका रिव्यू आप हमारे चैनल पर देख भी सकते हो। और डेज गॉन के साथ ही PlayStation का एक और धमाकेदार गेम अनचार्टेड 4 भी PC के लिए लॉन्च हुआ है। तो देखा जाए तो अब PlayStation एक्सक्लूसिव गेम भी PC पर आ रहे हैं और इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि क्या पता मे बी गॉड ऑफ वॉर 4 भी PC पर आ सकता है। वैसे अभी सबसे लेटेस्ट गॉड ऑफ वॉर गेम जो PC पर अवेलेबल है वो है गॉड ऑफ वॉर 2। मगर यहाँ आपको मैं एक बार बता देता हूँ, ये गेम आपको स्टीम या एपिक स्टोर पर नहीं मिलेगा, इसको आपको कहीं से डाउनलोड करके ही खेलना पड़ेगा या फिर आप इसकी DVD भी ले सकते हो, बट अब वो आपको बहुत रेयरली ही मिल पाएगी क्योंकि अब तो PC और लैपटॉप्स में CD ड्राइव्स ही नहीं बच पाए हैं।
बट जिन पीसी गेमर्स ने उस टाइम गॉड ऑफ वॉर 2 को अपने पीसी पर खेला होगा, तो मैं ये बात तो साफ कह सकता हूँ कि गॉड ऑफ वॉर 3 रिलीज होने पर उन्हें इस गेम को खेलने का बहुत ज्यादा मन कर रहा होगा, क्योंकि गॉड ऑफ वॉर के गेम्स होते ही इतने शानदार हैं कि कोई भी इन्हें एक बार खेलने के बाद इसके आगे के पार्ट्स मिस नहीं करना चाहता। और उस टाइम गॉड ऑफ वॉर 3 और फिर असेंशन को खेलने के लिए बहुत से पीसी गेमर्स ने PS3 तो जरूर खरीदा होगा। वैसे आप भी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपने भी गॉड ऑफ वॉर 2 को पीसी पर खेला है। बट इस बार तो सोनी अगर इसको ऑफिशियली लॉन्च कर देता है तो आप इसको आराम से स्टीम से खरीद कर खेल सकोगे। और अब अगला क्वेश्चन आता है कि सोनी अपने प्लेस्टेशन के सबसे बड़े गेम को आखिर पीसी के लिए रिलीज क्यों करेगा। अब डेज गॉन, अनचार्टेड 4 और होराइजन जीरो डॉन प्लेस्टेशन के एक्सक्लूसिव गेम्स हैं जिन्हें सोनी ने पीसी के लिए भी लॉन्च करा है। बट अगर एक्चुअल में देखा जाए तो इन कंपैरिजन टू गॉड ऑफ वॉर सीरीज ये इतने बड़े और पॉपुलर गेम्स नहीं हैं, और इन गेम्स को एक बार के लिए सोनी पीसी के लिए लॉन्च कर भी सकता है जिससे उनके इन गेम्स को पीसी गेमर्स भी एक्सपीरियंस कर सकें। बट यही गॉड ऑफ वॉर का एक बिल्कुल ही अलग सिनेरियो है, क्योंकि गॉड ऑफ वॉर फ्रेंचाइजी एक तरीके से प्लेस्टेशन का फेस है और बहुत से लोग तो सिर्फ गॉड ऑफ वॉर सीरीज को खेलने के लिए ही प्लेस्टेशन खरीदते हैं। और एक्चुअल में प्लेस्टेशन की इतनी धमाकेदार सेल्स का रीजन एक तरीके से हम गॉड ऑफ वॉर को भी कह सकते हैं। तो अब ये फैक्ट सुनने के बाद एक ऑब्वियस सी चीज किसी के भी दिमाग में आएगी कि सोनी इस गेम को आखिर पीसी के लिए लॉन्च क्यों करेगा, क्योंकि अगर उनने ऐसा कर दिया तब तो उनके कॉन्सोल्स की सेल में काफी ज्यादा ड्रॉप आ जाएगा, क्योंकि फिर तो हर कोई गॉड ऑफ वॉर के गेम्स को अपने पीसी में ही खेल लेगा, तो प्लेस्टेशन की क्या जरूरत है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि इसी वजह से अगर बाय चांस सोनी ने अपना गॉड ऑफ वॉर गेम पीसी पर रिलीज कर दिया तो शायद वो सिर्फ गॉड ऑफ वॉर 4 को ही पीसी पर रिलीज करेंगे, क्योंकि मोर और लेस जिनको भी आज तक गॉड ऑफ वॉर खेलना था उन्होंने PS4 खरीद कर इसे खेल लिया है। और अब इस गेम को पीसी पर रिलीज करने का सोनी का सिर्फ एक ही प्लान रहेगा, पीसी गेमर्स को अपनी इस शानदार फ्रेंचाइजी में इंटरेस्ट डेवलप करवाना जिससे रैग्नारॉक आने पर PS5 और PS4 की सेल्स पर एक बहुत बड़ा स्पाइक आए, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि गॉड ऑफ वॉर गेम्स काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग होते हैं और हर कोई इसका एक गेम खेल लेने के बाद इसके अगले गेम को खेलना ही चाहता है, और यहाँ ये काम गॉड ऑफ वॉर 4 पीसी में आने के बाद डेफिनेटली कर ही देगा। अब इसके बाद एक और बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या उस केस में मुझे PS5 या PS4 लेना चाहिए। तो अब यह सबका अपना अपना डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि गॉड ऑफ वॉर 4 को पीसी में खेल लेने के बाद अगर वो पीसी में आता है तो अगर उसके बाद आपको रैग्नारॉक खेलने का भी मन करेगा तो मैं तो बोलूंगा कि उस केस में आप प्लेस्टेशन 5 या 4 खरीद ही लेना, क्योंकि ये साफ है कि भले ही गॉड ऑफ वॉर 4 एक बारी के लिए पीसी पर आ भी जाए बट रैग्नारॉक या फिर किसी और गॉड ऑफ वॉर गेम का पीसी में आने का कोई भी चांस नहीं है। और PS5 या PS4 को खरीद लेने के बाद आपको कोई घाटा भी नहीं होगा, क्योंकि अगले साल तो होराइजन फॉरबिडन वेस्ट भी PS4 और 5 में आने ही वाला है, एंड और भी बहुत से तगड़े तगड़े गेम्स तो प्लेस्टेशन में आते ही रहते हैं। अब ये सिर्फ मेरा ही ओपिनियन है, बाकी मर्जी तो आगे आपकी ही है। वैसे अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं कि क्या PS4 या PS5 खरीदना चाहिए या इज इट राइट टाइम टू बाय अ कंसोल, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो गाइस, यही थी पूरी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या सही में गॉड ऑफ वॉर 4 पीसी पर आने वाला है और अगर आएगा तो क्यों आएगा। आई रियली होप अब आपके इस टॉपिक के ऊपर सारे डाउट्स और क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अभी चैनल पर गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक की थ्योरीज, लीक्स और न्यूज के ऊपर काफी सारी वीडियोस आने वाली है, सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबा दो जिससे आने वाली उन वीडियोस को आप मिस ना करो। और अब आप मेरी गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक ट्रेलर ब्रेकडाउन वाली वीडियो जरूर चेक करना, होपफुली वो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और अभी एंड स्क्रीन पर मिल ही जाएगा। तो अब मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक ले टेक केयर एंड बाय।